कानपुर में कुख्यात हिस्ट्री सीटर के घर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हुई फायरिंग, 8 पुलिसकर्मियों की मौत। वर्ष 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में आरोपित कुख्यात हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के घर गुरुवार रात दबिश देने गई पुलिस पर हमला हो गया। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें शिवराजपुर SO महेश यादव, CO देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। वहीं 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रिजेंसी में भर्ती करवाया गया है। इस एनकाउंटर के बाद SSP, 3 SP और एक दर्जन से अधिक थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया है। गोली लगने से घायल बिठूर SO कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देर रात को चौबेपुर थाना क्षेत्र के बीकरू गांव निवासी विकास दुबे के घर पुलिस की टीम दबिश देने गई थी। बिठूर व चौबेपुर पुलिस ने छापेमारी करके विकास के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस दरवाजा तोड़कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर ही रही थी कि विकास के साथ मौके पर मौजूद 8 से 10 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाते, गोली उनकी जांग और हाथ पर लग गई। इसके बाद अपराधी मौके से भाग निकले। हमले की जानकारी मिलते ही SSP दिनेश कुमार P, SP पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार सहित 3 SP और कई CO सर्किल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात तक अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश देती रही। वहीं कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक जयनारायण सिंह ने 8 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 4 और पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और रिजेंसी हॉस्पिटल के ICU में भर्ती हैं। इसमें 2 सिपाहियों के पेंट पर गोली लगी है। डॉक्टरों की टीम गंभीर रूप से घायल सिपाहियों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। आपको बता दें कि 25,000 के इनामी विकास दुबे पूर्व प्रधान व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। इसके खिलाफ करीब 53 हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि दबिश के दौरान अपराधियों ने इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी कि जैसे उन्हें पहले से भनक लग गई थी कि पुलिस उन्हें पकड़ने आ रही है। लेकिन बिठूर और चौबेपुर पुलिस की घेराबंदी होने के चलते वे कुछ समझ नहीं सके। खुद को फंसता देख बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती या मोर्चा संभालती, 7 लोगों के गोली लगने से बैकफुट पर आना पड़ा। इसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले। एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थानाध्यक्ष और CO को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमी प्रारंभ कर दिए हैं, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है उसमें 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके देते हैं, और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं, पास में ये सब जिले हैं, वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है, और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे।